जायका इंडिया का यूट्यूब चैनल पर आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हेल्दी और टेस्टी सिर्फ 2 मिनट में बनने वाले नींबू और पुदीने के शरबत की रेसिपी। तो चलिए शुरू करते हैं। इस शरबत को बनाने के लिए सबसे पहले हम पुदीना पीस लेंगे। तो हमने 1 कप जितने पुदीने के पत्ते लिए हैं, इसे हम ऐड करेंगे एक मिक्सी के जार में और इसी के साथ हम इसमें चीनी ऐड कर देंगे। हमने 3 टेबलस्पून चीनी ली है। चीनी की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे 2 नींबू का रस। तो तकरीबन 2 टेबलस्पून जितना नींबू का रस हमने यहाँ पर लिया है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून काला नमक और इसी के साथ हमें इसमें डाल देना है 1/2 टीस्पून भुने हुए ज़ीरे का पाउडर। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 कप पानी और इसे हम अच्छे से पीस लेंगे ताकि पुदीने के पत्ते अच्छे से ग्राइंड हो जाए। तो हमने नीचे एक बर्तन रखा है, उस पर हमने एक छन्नी रख ली और जो पुदीने के पत्ते पीस कर रखे हुए हैं उसे हम एक बार छन्नी से छान लेंगे ताकि जो भी रेसे वगैरह है वो अलग हो जाए। और यहाँ पर आप देखेंगे कि ये पत्ते अच्छे से ग्राइंड हो चुके हैं और इस स्टेज पर ही हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 1 कप पानी ऐड करेंगे, छन्नी के ऊपर से ही पानी डालेंगे ताकि थोड़ा बहुत इसमें पुदीने का फ्लेवर रह गया हो तो वो शरबत में अच्छे से चला जाए। अब छन्नी हटा देंगे और शरबत के लिए बाकी का पानी ऐड करेंगे। तो हमने टोटल 2 कप पानी यहाँ पर लिया है। आप इस शरबत को बनाते वक्त पानी की जगह सोडा वाटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अच्छे से इसे मिला लेंगे और अब हम इसे सर्व करेंगे। तो सबसे पहले ग्लास में आइस क्यूब्स डाल देंगे और हमारा बनाया हुआ शरबत इसमें ऐड करेंगे। नींबू और पुदीने के इस शरबत के बहुत से फ़ायदे हैं। ये ठंडक और ताजगी तो देता ही है, इसी के साथ ये डाइजेशन के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो बढ़ती हुई गर्मी में गर्मी को दूर भगाने के लिए आप इस शरबत को ज़रूर बनाएं। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। आसान सी रेसिपी के साथ बहुत ही बढ़िया शरबत बनकर तैयार होता है। और अब इसे सर्व करने के बाद हम इसमें गार्निशिंग के लिए थोड़े से पुदीने के पत्ते ऐड कर देंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। फिर मिलेंगे जायका इंडिया का यूट्यूब चैनल पर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।